तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे टेक्स्ट फंक्शन की सेकेंड क्लास। हमने फर्स्ट क्लास में टेक्स्ट फंक्शन की कुछ नई चीजों के बारे में जाना था, बेसिक बेसिक जो चीजें थी उसके बारे में जाना था। अब टेक्स्ट फंक्शन में जो और भी चीजें हैं उनके बारे में एक बार जानेंगे। तो जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात है कि हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कैसे हम अलग करते, सेपरेट करते। इस सेपरेट से पहले हम ज्वाइन सीख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सुजीत और यहाँ पे कुमार दिया हुआ है, दोनों को ज्वाइन करना है तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कॉन्केट है और भी बाकी फॉर्मूले हैं क्या। तो दो तीन चीज सीखी इसमें। जैसे मुझे ज्वाइन करना है तो जो पॉपुलर फॉर्मूला है कॉनकेटेनेट, कॉनकेटेनेट जो है, और इसमें हमने पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कॉमा स्पेस दिया, दूसरे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। जीत कुमार आ गया, राइट सर। या दूसरा है कि आप इसमें ये लगा सकते हैं, एन परसेंट का साइन लगा सकते हैं, एन परसेंट, इसको सिलेक्ट किया, देन आ गया सुजीत कुमार। लेकिन एक लिस्ट हो तब क्या करें, एक लिस्ट हो तो एक एक करके, मान लीजिए ज्यादा लिस्ट हो तो दिक्कत हो जाएगी ना सर। तो इसके लिए दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला है हमारे पास कॉनकेट का, कॉनकेट फॉर्मूला से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं आप। दूसरा फॉर्मूला, लेकिन इसमें कोई सेपरेटर नहीं है, दूसरा फॉर्मूला है टेक्स्ट ज्वाइन। टेक्स्ट ज्वाइन के इसमें यहाँ सबसे पहले तो आपको देना होगा डेरिवेटिव, इसके बीच में कितना गैप आना चाहिए, क्या आना चाहिए, तो स्पेस कॉमा ट्रू एंड फॉल्स, हमें ट्रू दे दिया और यहाँ पे अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिया एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूजा मोहन कविता इंदर रवि ओम इंदु आ गया, जिसमें स्पेस से गैप भी ले लिया, स्पेस से गैप भी ले लिया, राइट सर। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे नेम लिखा, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग और यहाँ पे डेट ऑफ लिविंग। मान लीजिए कि पूजा ने एक एक को ज्वाइन किया और आज छोड़ रहा है, तो मुझे यहाँ पे मान लीजिए इसका ऑफर लेटर वगैरह बनाना है तो मैसेज चाहिए कि पूजा पूजा ज्वाइन फ्रॉम पूजा वर्क फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टर को हमें लिखते हैं, पहले तो नाम सेलेक्ट कर लेते हैं, नाम इन्वर्टर को देते हैं, स्पेस वर्क फ्रॉम, फिर हम फ्रॉम डेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर एन परसेंट स्पेस टू स्पेस एंड टू डेट को सिलेक्ट करेंगे। आ गया पूजा वर्क फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, राइट, क्लियर है। जी लेकिन इसमें आप देख सकते हैं डेट जो है वो नंबर में आ गया, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी फॉर्मूला उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे वर्क करता है, ना कि फॉर्मेटेड वैल्यू पे जो डिविजिबल है उस पर। तो ओरिजिनल जिसकी डेट अमर नंबर ही है ना सर, तो डेट के जी डेट का जो हम डाल रहे हैं फॉर्मेट उससे वो चेंज हो जा रहा है क्या। जी सर तो यहाँ पे ये है, अब इसकी इसी का एक यही प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई। इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करें, तो हम इसमें टेक्स्ट फॉर्मूला डाल देते हैं, टेक्स्ट, और यहां पे हम देते हैं डी डी स्लैश एम स्लैश वाई, और हमने ब्रैकेट क्लोज किया। फिर F1 जो है हमारा, इसके अंदर भी हम डालेंगे टेक्स्ट टेक्स्ट कॉमा डी डी स्लैश एम स्लैश वाई वाई, और
एंटरप्राइज का। ओके जी सर, क्लियर है? जी सर, ये कोई डाउट है सर? नहीं सर। अब तो ज्वाइन करना सीख गया, अब बात करते हैं स्टैक करने का। जैसे लास्ट क्लास में बताया था कि अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट है उसमें किसी पॉइंट को अलग करना है तो हम लेफ्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और हम तीन डिजिट लेफ्ट से अलग कर देते हैं। फिर मैं यहाँ पे मिड का फॉर्मूला लगाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और चौथा तीसरा चौथे से तीन करेक्टर को अलग करना है। चौथे नहीं पांचवा होगा, चौथा तो डैश है सर। और फिर वापस मैं राइट का फॉर्मा लगाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और राइट से तीन करेक्टर अलग करना है। राइट से हमारा तीन करेक्टर अलग हो गया, ठीक है सर? क्लियर है जी। राइट से हमने तीन करेक्टर अलग कर लिया। लेकिन अगर इसी का ऑटोमेशन करना हो तो जैसे मैं यहां डाल दिया कि kumar@iptindia.com, इसमें से मुझे साइट को अलग करना है और आईडी को अलग करना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुमार हो सकता है, सुजीत कुमार हो सकता है, नाम कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे अगर हम लेफ्ट लगा दें लेफ्ट और इसमें से बोले कि पांच करेक्टर को अलग करें तो कुमार आ गया, ठीक है? क्या करें इसके लिए? फाइंड करेंगे। इसमें हमें जो पांच है इसी को ऑटोमेट करना, तो यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला फाइंड का। फाइंड में देंगे @, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और स्टार्ट नंबर तो 6 दे देगा। तो मुझे 5 चाहिए तो मैं इस 5 को क्या करूंगा, इसमें से -1 कर दूंगा D20 से 6 से। आ गया सर? अब सुजीत कुमार हो, कुमार हो, कुछ भी हो, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं सुजीत कुमार, तो वो अलग कर देगा। उसी तरह से साइट अलग करने के लिए हम यहाँ राइट का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और लगाएंगे फॉर्मूला लेंथ, इसकी कंप्लीट लेंथ से -12, ये आपका india.com आ गया। तो इस तरह से ऑटोमेटेड अलग करें फॉर्मूले के थ्रू। ऐसे तो फ्लैश फिल हमारे पास आई, लेकिन फॉर्मूले के थ्रू हम ऐसे अलग करें, ठीक है? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नहीं। हेलो? नहीं सर। चलो ये हो गया। अब चीज कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले हैं उसको एक बार देख लेते हैं टेक्स्ट। तो यहाँ पे एरे टू टेक्स्ट है, रिटर्न द टेक्स्ट इन द एन एरे। जैसे यहाँ पे एरे फॉर्मेट में अगर मान लीजिए तो भी एरे डालते हैं तो उसका एरे फॉर्मेट, एरे फॉर्मूला पढ़ाऊंगा इसके बारे में और अच्छी तरीके से समझा दूंगा। फिलहाल ये जैसे यहाँ पे मैंने कर दी ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये है कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे स्ट्रिक कर देते हुए तो क्या आता है, स्पेस के साथ आता है, बगैर स्पेस आता है। तो इसका यूज हम एरे फॉर्मूला में यूज करते हैं, इसमें फिलहाल इसको स्किप कीजिए।
फिर डैटेक्स फॉर्मूला इंडियन यूज में होता है, नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है थाई लैंग्वेज में, कैर कोड क्लीन तो पढ़ा चुके हैं, कॉन्केट पढ़ा दिए, एग्जैक्ट भी पढ़ा दिया ना सर? नहीं सर, बाकी नंबर हेलो सर एग्जैक्ट नहीं पढ़ाया। देखिए एग्जैक्ट क्या होता है, जैसे इफ का फॉर्मूला आप लगाते हैं ना तो केस सेंसिटिव नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर नॉर्मली इफ लगाएंगे या लॉजिकल लगाएंगे तो क्या होगा, दोनों बराबर है, पर चाहते नहीं केस सेंसिटिव होना चाहिए, तो एग्जैक्ट में हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, तो दोनों जब एग्जैक्ट होगा तभी ट्रू आएगा। यहाँ पे अगर मैं रैन कर दिया तो यहाँ पे ट्रू आएगा, अदरवाइज ये आएगा। ठीक है जी, क्लियर है जी सर। डाउट इसमें नहीं सर। उसके अलावा नंबर वैल्यू बस वैल्यू करता है, प्रॉपर बता ही दिया था, रिप्लेस सब्स्टिट्यूट रिप्लेस बताया था, सर्च और फाइंड दोनों एक ही होता है सर। वैल्यू टू टेक्स्ट और वैल्यू, वैल्यू क्या करता है कि वैल्यू कर देता है, वैल्यू टू टेक्स्ट क्या है कि अगर यहाँ पे नंबर डालते हैं तो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से दो फॉर्मूले होते हैं, अगर नंबर टेक्स्ट में है, मैंने नंबर लिखा है बट टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा है, तो वैल्यू फॉर्मूले से हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं नंबर में ताकि कैलकुलेशन हो उसमें क्या, और वापस वैल्यू टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देता है टेक्स्ट। तो यहाँ पे टेक्स्ट कैटेगरी के फॉर्मूले मैंने फिनिश कर दिए। एक फॉर्मूला रह गया रैप का, ठीक है, रैप फॉर्मूला रिपीट करता है, हालांकि इसका कोई यूज नहीं है लेकिन इसका यूज किया जा सकता है अगर आपको ट्रिक हो तो। ठीक है जी, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, कल की क्लास में हम आपके साथ बात करेंगे डेट कैलकुलेशंस। ठीक है सर? ठीक है।